आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल एवं जिला समिति के तत्वावधान से आज 35वां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जहां 14 नवयुगलों का विवाह कराया गया। गौरतलब है कि जैन कलार समाज की अगुवाई में विगत 35 सालों से अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर नवयुगलों को जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य इसी सामूहिक विवाह समारोह द्वारा किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में इस साल भी नागपुर स्थित जैन कलार समाज सभागृह में गणमान्यों की उपस्थिति में सुबह 10:30 बजे के पावन मुहूर्त पर 14 नवयुगलों के विवाह सम्पन्न कराए गए। आज एक ओर दहेज की कुप्रथा के चलते बेटियों को बोझ समझा जाता है, वही दूसरी तरफ जैन कलार समाज द्वारा किए गए इस कार्य की चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि काफी कम खर्चे में पूरी व्यवस्था एवं पुरातन रीति रिवाजों के साथ यह विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसके विषय में जानकारी दी नागपुर केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आदमने ने। ये 35वां समाज का विवाह सोहरा है, सामूहिक विवाह सोहरा, और ये सोहरा करते हुए हमें बड़ा आनंद हो रहा है कि ये जिस तरीके से सांस्कृतिक पद्धति से अपने घर में शादी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हर जोड़पों की शादी उसी तरह से की जाती है। और कल हल्दी का प्रोग्राम हुआ, हल्दी का खाना हुआ और अन्य प्रोग्राम हुए, संगीत का भी प्रोग्राम हुआ, और आज सुबेरे 10:15 में समय में बराबर शादियां लगाई गई है। और ये शादी जब लगाते हैं तब यहाँ से हमारे समाज बांधव जितने भी हैं वो इन्हें कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए की चीज़ें उन्होंने सप्रेम भेंट देते हैं। और यहाँ पे जो शादी करता है हर समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी शादियाँ होती है ये बहुत कम खर्चे में होती है। अगर एक आदमी को 4 बच्चे 3 बच्चे वो शादी करते करते उसकी आर्थिक परिस्थिति ये ढीली हो जाती है, तो ऐसे सामूहिक विवाह के अंदर अगर कोई शादी करे तो अपना खर्चा कम हो जाता है और वही खर्चा अपन बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। मुझे बहुत हर्ष है कि मेरे जितने 52 मेंबर हैं वो 52 मेंबरों ने कल से आज तक के बहुत अच्छा कार्य किया और ये विवाह सक्सेस किया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।